दोस्तों आईपीएल 2018 का ऑक्शन होने वाला है। सभी टीम ने अपने प्लेयर्स को रिटेन कर लिया है जिनकी जरूरत टीम को है, सभी प्लेयर्स ने प्लेयर्स को रिलीज कर दिया है जिनकी जरूरत टीम को नहीं है। लेकिन ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आठों ही टीम के वो रॉन्ग डिसीजन कौन से हैं, जहां पर जिस प्लेयर को रिटेन नहीं किया जाना था वो रिटेन हो चुका है और जिसे रिलीज नहीं किया जाना था वो रिलीज कर दिया है। आठों ही टीम्स की हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप भी मेरी तरह आईपीएल 2020 के ऑक्शन को लेकर काफी एक्साइटेड हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही साथ आईपीएल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख लें। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं आठों ही टीम ने क्या रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, क्योंकि इससे बड़ा फेरबदल आईपीएल 2020 के एडिशन में होने वाला है। बात की जाए सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की कि इन्होंने किस रॉन्ग प्लेयर को रिटेन करके रखा है। प्लेयर का नाम है केदार जाधव। आपको बता दे येलो जर्सी में केदार जाधव की एज 34 इयर्स के ये हो चुके हैं, लगातार इंजरीज से जूझते हैं। आईपीएल 2019 की बात की जाए तो 14 मैचेस में मात्र 162 रन बनाए हैं और 18 के एवरेज के साथ, यानी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में काफी हद तक इनका खराब परफॉर्मेंस रहा है एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो केदार जाधव को यहाँ पर रिलीज करना चाहिए था जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने नहीं किया है। बात की जाए इनसे जो अच्छा प्लेयर रिलीज हुआ है वो हुए हैं डेविड विली। आपको बता दें वर्ल्ड कप 2019 के दौरान इंग्लैंड की टीम का हिस्सा होने वाले थे डेविड विली, लेकिन वहां पर भी ये हिस्सा नहीं हो पाए। लेकिन इसके बाद जिस प्रकार से ये बाकी सभी ओवरसीज T20 लीग्स में T10 लीग्स में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, काफी शानदार परफॉर्मेंस है और कम प्राइस पर ऑलरेडी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इन्हें रिटेन किया जाना चाहिए था, जो कि गलत डिसीजन चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा हो चुका है। बात की जाए अगली टीम की, दिल्ली कैपिटल्स की टीम में देखा जाए तो अक्षर पटेल गलत तरीके से यहां पर रिटेन हो चुके हैं। इन्होंने आईपीएल में एकमात्र एडिशन में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, वो दिखाया था 2014 के आईपीएल में जब किंग्स 11 पंजाब की टीम फाइनल खेली थी। 17 मैचेस में 17 विकेट्स इन्होंने लिए थे और बैटिंग भी 23 के एवरेज के साथ कर रहे थे। 25 साल का ये खिलाड़ी इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा पा रहे हैं किसी भी लीग में, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए लगातार 2 सीजन खेल चुके हैं, परफॉर्मेंस किसी भी सीजन में नहीं आई है। तो इन्हें भी अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम रिलीज करती तो कोई गलत डिसीजन नहीं होता, रिटेन करने के बाद डिसीजन गलत जरूर से है। बात की जाए जो अच्छा प्लेयर इन्होंने रिलीज किया है वो किया है क्रिस मॉरिस को। आपको बता दे काफी शॉकिंग ये रिलीज रहा है दिल्ली कैपिटल्स की ओर से क्रिस मॉरिस का रिलीज होना, क्योंकि जिस प्रकार के ऑलराउंडर हैं क्रिस मॉरिस, अपनी दम पर मैच का रुख बदल देते हैं, चाहे वो बात की जाए बैटिंग की चाहे वो बात की जाए बॉलिंग की। बैटिंग में भी नीचे आकर हार्ड हिटिंग बैटिंग देते हैं, तो वहीं बॉलिंग में भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, चाहे आप शुरुआत में ओवर करा सकते हैं डेथ ओवर में ओवर करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी गलत डिसीजन साबित हुआ है दिल्ली कैपिटल्स का। बात की जाए अगली टीम की, किंग्स 11 पंजाब की, रॉन्गली रिटेन जो प्लेयर हुआ है वो हुए हैं हार्डस विलोइन। आईपीएल 2019 के ऑक्शन में इनके बेस प्राइस पर किंग्स 11 पंजाब की टीम ने इन्हें शामिल किया था 75 लाख में, जो कि एक अच्छा पेस अटैक प्रदान करते हैं टीम को, लेकिन एज अ ओवरसीज प्लेयर इनकी जरूरत टीम को नहीं है। वो इसलिए क्योंकि 4 ओवरसीज के स्पॉट के चलते हार्डस विलोइन का प्लेइंग 11 में जगह बना पाना बेहद मुश्किल साबित होता है और T20 लीग्स में भी कोई खास परफॉर्मेंस इनकी नहीं रहती है, लेकिन किंग्स 11 पंजाब की टीम ने इन्हें रिटेन कर लिया है। बात की जाए रॉन्गली रिलीज इन्होंने जो किया है वो किया है सैम कर्रन को। आपको बता दें 7.2 करोड़ में आईपीएल 2019 में सैम कर्रन को टीम में शामिल किया था किंग्स 11 पंजाब की टीम ने, हाई रिप्यूटेशन के साथ ये टीम में शामिल हुए थे। तो वहीं टीम में दोनों रोल अच्छे से निभा रहे थे, चाहे वो बात की जाए बैटिंग की बॉलिंग की, दोनों रोल में अच्छा परफॉर्मेंस ये दिखा रहे थे। तो सैम कर्रन का यहाँ पर रिटेन किया जाना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं ये भी किंग्स 11 पंजाब से गलत डिसीजन हुआ है सैम कर्रन को रिलीज करके। बात की जाए अगली टीम की, जो है कोलकाता नाइट राइडर्स। आपको बता दे रिंकू सिंह को इन्होंने रिटेन किया है, जो कि बैड डिसीजन इनके साथ हुआ है। रिंकू सिंह मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर टीम में खेलते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छी एवरेज के साथ खेलते हैं, 70 की एवरेज के साथ। लेकिन जिस प्रकार से ये आईपीएल खेल रहे हैं हर बार ये फ्लॉप साबित हुए हैं। लगातार 2 साल से ये
कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में जुड़े हुए हैं और टोटल 2 साल में मात्र 66 रन बनाकर इन्होंने दिए हैं। तो वहीं बात की जाए कोलकाता नाइट राइडर्स के रिलीज्ड प्लेयर की रॉन्गली रिलीज प्लेयर कौन सा हुआ है, वो हुए हैं क्रिस लिन। आपको बता दें 9.6 करोड़ में आईपीएल 2018 से ये खेल रहे हैं, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं क्रिस लिन। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अच्छी ओपनिंग ये देते हैं और जिस प्रकार से विस्फोटक बैटिंग करते हैं, 139 के स्ट्राइक रेट के साथ ये खेलते हैं। आईपीएल 2019 में 405 रन इन्होंने बनाए थे 31 की एवरेज के साथ और वैल्यूएबल प्लेयर भी बने थे। तो वहीं इसके बाद जिस प्रकार से ये अबू धाबी टी10 लीग खेल रहे हैं वहां पर भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हाल ही में इन्होंने 30 गेंदों पर 91 रन बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल क्रिस लिन शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स की एक गलती हुई है क्रिस लिन को रिलीज करके। बात की जाए अगले टीम की जो है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने जो रॉन्गली रिटेन प्लेयर किया है वो किया है इन्होंने मिचेल मैक्लेनेगन को। आपको बता दें मिचेल मैक्लेनेगन मुंबई इंडियंस के लिए काफी समय से खेल रहे हैं, तो वहीं 4 ओवरसीज प्लेयर्स के चलते भी मिचेल मैक्लेनेगन की जगह बन पाना प्लेइंग 11 में मुश्किल साबित होता है, तो ये भी एक बैड डिसीजन है। बात की जाए रॉन्गली रिलीज्ड प्लेयर की मुंबई इंडियंस के लिए, तो जो हुआ है अल्जारी जोसेफ को लेकर। आपको बता दें आईपीएल के पहले मैच में डेब्यू मैच में 6 विकेट्स अल्जारी जोसेफ ने हासिल किए थे मात्र 12 रन देकर। आईपीएल के इतिहास में बेस्ट बॉलिंग फिगर इनका बना है और आईपीएल 2020 के ऑक्शन से पहले भी यही लग रहा था मुंबई इंडियंस की टीम इन्हें रिटेन करेगी, एक बार फिर से भरोसा दिखाएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। बात की जाए अगले टीम की गलत डिसीजन की जो है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स के रॉन्गली रिटेन प्लेयर की बात की जाए जो है वरुण एरोन। मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर जो रहा है वरुण एरोन के लिए वो रहा है 2014 जहां पर इन्होंने 10 मैच में 16 विकेट्स लिए थे 18 की एवरेज के साथ। इंजरीज होती हैं जिसके चलते ये मैचेस नहीं खेल पाते हैं। आईपीएल 2019 की बात की जाए तो 5 विकेट्स इन्होंने हासिल किए हैं 4 मैचेस में, 30 साल के ये हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत डिसीजन साबित हुआ है राजस्थान रॉयल्स के लिए इनको रिटेन करके। बात की जाए रिलीज प्लेयर की, रॉन्गली रिलीज प्लेयर इन्होंने किसे किया है, वो किया है लियम लिविंगस्टोन को। आपको बता दें आईपीएल 2019 में ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही है। जब जॉस बटलर इंग्लैंड चले गए थे वर्ल्ड कप 2019 की तैयारी करने के लिए, तब लियम लिविंगस्टोन ओपनिंग करने आए और लगातार 145 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने खेला। एक इनिंग में तो 26 गेंदों पर 44 रन भी बनाए थे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं एक विस्फोटक ओपनर के तौर पर ये टीम में खेल सकते हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इन्हें रिलीज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो राजस्थान रॉयल्स को हुआ है वो लियम लिविंगस्टोन के तौर पर हुआ है। बात की जाए अगली टीम की जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आपको बता दें इनकी टीम में जो रॉन्गली रिटेन्ड प्लेयर हुए हैं वो हुए हैं मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज का परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड तो काफी अच्छे हैं, लेकिन टी20 इंटरनेशनल में काफी खराब इनके रिकॉर्ड हैं और अभी तो ये लगातार इंटरनेशनल टी20 टीम का हिस्सा भी नहीं हो रहे हैं। 50 की एवरेज के साथ 25 साल के हो चुके हैं और कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दी है। लास्ट 2 साल में 18 विकेट्स इनके हाथ लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्लेयर को रिलीज किया जाना चाहिए था, लेकिन आरसीबी की टीम ने नहीं किया है। बात की जाए रॉन्गली रिलीज्ड प्लेयर की जो इन्होंने किया है सिमरन हेटमायर को। जिस प्रकार से आईपीएल 2019 के ऑक्शन के पहले हाइप क्रिएट की गई थी सिमरन हेटमायर की प्राइस को लेकर, 4.2 करोड़ में आरसीबी की टीम ने शामिल किया था, लेकिन परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही थी। 5 मैचेस में 90 रन बनाए हैं, लेकिन हाल फिलहाल इनका फॉर्म अच्छा है और जो आरसीबी की टीम का लास्ट मैच था वहां पर 47 बॉलों पर 75 रन बनाए थे। तो कहीं ना कहीं सिमरन हेटमायर को यहां पर रिटेन किया जाना चाहिए था और ये गलती आरसीबी की टीम से हो चुकी है। बात की जाए अगली टीम की आखिरी टीम की जो है सनराइजर्स हैदराबाद। रॉन्गली रिटेन्ड प्लेयर की बात करते हैं तो जो यहाँ पर हुए हैं खलील अहमद। रीजनेबल अमाउंट पर ये सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं आईपीएल 2019 में भी। प्लेइंग 11 में पहली प्रायोरिटी ये नहीं रहते हैं, जब कोई प्लेयर इंजर्ड होता है उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर खलील अहमद प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं। बात की जाए रॉन्गली रिलीज प्लेयर की तो जो है दीपक हुड्डा। हैदराबाद की प्लेइंग 11 में दीपक हुड्डा की जगह बनती थी क्योंकि एक डिपेंडेबल बैट्समैन के तौर पर ये टीम में खेलते थे। इनका स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर ही रहता था। हालांकि आईपीएल 2019 में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है
और ये प्लेयर भी यहाँ पर रिटेन किए जाने थे, लेकिन रिलीज किया है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने, टीम मैनेजमेंट ने। तो दोस्तों ये है वो सभी 16 प्लेयर्स जो यहाँ पर गलत तरीके से रिटेन किए गए हैं, अपनी अपनी फ्रेंचाइज के तौर पर गलत तरीके से रिलीज किए गए हैं। आपको क्या लगता है किस प्लेयर को यहाँ पर रिटेन किया जाना चाहिए था, क्रिस लिन, सैम कुर्रन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ आईपीएल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख ले, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।